मैंने अपना करियर जो है वाइल्ड लाइफ से शुरू किया और उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ की, फिल्म्स की और फोटोग्राफी तो मेरे हमेशा शौक रहा, तो मैं टफ सब्जेक्ट लेता हूँ। फैशन को मैं एक तरह से टफ नहीं मानता, भी बहुत कंट्रोल्ड होता है। जब मैंने मेरे को जब ये P30 Pro मिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि सब लोग फूल पत्ती लैंडस्केप और स्ट्रीट लाइफ खींचते हैं, तो मैंने कहा अगर इसकी कैपेबिलिटी जाननी है तो क्यों ना हम इस पर स्ट्रीट फैशन शूट करके देखें। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि इस जब क्योंकि स्ट्रीट फैशन कर रहे हैं, फैशन शूट कर रहे हैं, तो हमें मॉडल्स की ज़रूरत है, मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने मॉडल्स को बोला, मॉडल्स को जब मैंने एक आइडिया बताया, उनको समझ में आया, तो एक मॉडल स्पेशली देहरादून से फ्लाई की, डॉक्टर मनीषा। एक और ब्रांड बोला जो ब्लैक, तो उन्होंने कहा कि साथ में वर्क करते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है। तो ये एक अनप्लान ट्रिप था, तो मैं दिल्ली पहुंची। फिर एक जो है गाज़ियाबाद से आई आस्था, तो हमने एक मिलके एक कॉन्सेप्ट डिसाइड किया और फिर ये शूट किया, जो बहुत टफ रहा। एक्चुअली अंबर जी को जानती थी मैं पहले से ही, एंड उन्होंने जब लाइक मेरा बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ वर्क करूं, एंड मैं ऑब्वियसली वो एक बहुत ही रिकॉग्नाइज नेम है, तो मुझे था कि मैं मुझे कुछ अगर किसी अपॉर्चुनिटी मिले और जो जिस डिसेंट वे में और वो अगर हो जाए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है, शूट करना चाह रहे हैं वो। मैंने अपनी इच्छा जताई, मैंने कहा मैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहूँगी, लेट मी सी कि क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला ठीक है, आओ तो एंड वी जस्ट शूट विद यू एज वेल। आज का जो शूट था वो बहुत ही टफ था। उसके पीछे रीज़न है कि एक दिन पहले हमने बहुत रिहर्सल की मॉडल्स के साथ, और मैंने दीपक को बुलाया, दीपक जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, उससे मैंने ऑन लोकेशन बैठ के पोजेस डिसाइड किए, स्केचेस उसके साथ तैयार किए, बैकग्राउंड डिसाइड की, फिर हमने वो लोकेशंस पे घूमे भी। और जब हम जिस दिन हम नेक्स्ट डे शूट पे पहुँचे, उस दिन वेदर इतना चेंज हो गया कि बारिश पड़ने लगी, ह्यूमिडिटी हो गई। आज का वेदर काफ़ी ह्यूमिड रहा, बारिश, और अभी तक हम लोग इतने टाइम से दिल्ली में हम बोल रहे थे आए मानसून आए मानसून आए, तब तो आया नहीं, जब शूट होना था तब मानसून आ गया। सो दिस इज़ समथिंग वेरी यू नो लाइक यू कैन से वेरी स्ट्रेंज एंड काइंड ऑफ कि आप जो चीज़ करने जा रहे हो, एंड बिकॉज आप समझ ही रहे हैं जब शूट ऐसे वेदर में होता है तो आपका मेकअप से लेकर सारी चीज़ें बहुत, इवन शूट करना चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो मेकअप की जो कार थी वो टाइम पे नहीं आई, तो हम पहुँचे सबवे पे, रिक्वेस्ट की, एक रेस्टोरेंट है सबवे, वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने एक थोड़ा सा एरिया में मेकअप करने के लिए दिया, और बहुत सारी बारिश होने, और बारिश में एक सब्जेक्ट को क्लिक करना एक टफ इसलिए होता है, रीज़न इज़ कि आप शूट ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। लेकिन हमने इसमें भी बहुत कुछ क्रिएट किया, हमने रिफ्लेक्शंस यूज़ किए वाटर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और उस हिसाब से जो भी अभी तक जितने फोटोग्राफ्स आए हैं मैं उससे खुश हूँ। एक तरह से टास्क था, मतलब अगेंस्ट प्रिपरेशन, अगेंस्ट लाइट, अगेंस्ट वेदर,
एवरीथिंग इज डिफरेंट। जब भी कोई दुविधा आती है तो उसको फेस करना चाहिए, उससे नए आइडियाज़ निकाल के शूट करना चाहिए, हो सकता और वो हो सकता है कि वो बेटर आए। एंड जो वेदर देखा था, लाइटिंग देखी थी, वो बिल्कुल अपोजिट थी शूट वाले डे। तो हम लोगों ने उस टास्क को लिया और हमने उस अपोजिट वेदर में, लाइटिंग में, और काफ़ी रेनिंग था तो उसमें हमने वो शूट किया। एक मॉडल का मैंने लुक दिया था अर्बन और एक मॉडल का लुक दिया था मैंने एथनिक ट्रेडिशनल इंडियन लुक दिया था। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न था कि मैं कंट्रास्ट दिखाना चाहता था शूट में। जो कोशिश की गई थी कि जब हमने डिसाइड किया था कि हम ये शूट करेंगे, ये कंसेप्ट करेंगे, ये स्टोरी करेंगे, एक स्टोरी हमने सोची थी कि इस तरह की पर्टिकुलर शूट स्टोरी करेंगे फैशन, तो इसलिए हमने उस पर कंट्रास्ट के लिए एथनिक और अर्बन यूज़ किया। लेकिन वेदर की वजह से हम वो सारे शॉट्स नहीं ले पाए, हमने शॉट चेंज किए, बारिश में शॉट चेंज किए, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट गुड था। कि मुझे एथनिक पार्ट प्ले करना था करना है और मनीषा शी हैज़ टू प्ले एन अर्बन गर्ल, तो उस तरीके से थीम डिसाइड हुआ था। एंड इसमें जो ब्लैक जो ब्रांड है जो आपके सन ग्लासेस का, तो वो भी इसमें साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल टुगेदर लाइक देखा जाए तो हम कर रहे हैं थोड़ा हिस्टोरिकल सी, मतलब आई वॉन्ट से प्रॉपरली हिस्टोरिकल, बट हाँ उसको हम लुक देना चाह रहे हैं रॉ का भी एट द सेम टाइम, मतलब इंडो भी वेस्टर्न, मतलब एक स्टोरी क्रिएट, स्टोरी वीव करना चाह रहे हैं जो कि हम अपने कॉन्सेप्ट, एक्चुअली दिस इज व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल शूट इज ऑल अबाउट, एंड ये हम वही स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं। एक ट्रेडिशनल लुक एंड एक थोड़ा सा अर्बन, थोड़ा सा हिप्पी टाइप एंड कूल लुक, कूल विथ ट्रेडिशनल, बिल्कुल एथनिक वाली गर्ल, गांव वाली गर्ल, बिल्कुल शर्मीली सी, और एक कूल दिखाना था निडर। तो हम लोगों ने इस टाइप से ये कंसेप्ट लिया, निडर विथ शर्मीली टाइप्स को। मेरे को एक लर्निंग मिली कि बहुत बार प्लान करके चलने पे भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, एग्ज़ाम में फेल होते हैं, आप चीटिंग करके पास हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा आज लगा कि बारिश हमसे चीटिंग कराना चाह रही थी कि आप शूट करने आए हो, प्लान करके आए हो, अब आप चीटिंग करो, मतलब कि आप सोचो क्या कर सकते हो ऑन लोकेशन। तो है कि दुविधा आती हैं और शूट कैंसिल नहीं करना चाहिए, जो भी है वैसे है उसको प्रॉपरली करें और करते जाएं।